सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिविडे एसएससी नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपका एमटीएस हो या आपका सीपीयू। सीजीएल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभी आपकी सीजीएल के फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है, और आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है जी। सो हमने क्या किया, 2023 में जो मेंस का पेपर हुआ था हमने वो किया। एक्चुअली यहाँ 2023 होना चाहिए, 2023 होना चाहिए 22 नहीं, ठीक है, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, हम करने वाले हैं मॉर्निंग शिफ्ट 14 जुलाई 2023 का पेपर। देख रहे हो टीयर वन 2023, यहाँ से आपको थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा कि बोलने में और करने में कितना फ़र्क है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर ने बोला तो था, सनी सर ने भी वीडियो पे बोला था कि फिल्म्स और मेंस में 19-21 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं, एक ही बार अच्छे से तैयारी करो और काम खत्म। बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्या ये सही भी है, ऐसे कैसे मान लें? और बिल्कुल सही बात बिना तथ्यों के किसी बात को मानना मेरे हिसाब से मूर्खता है, मतलब उस बात को मानना ही नहीं चाहिए। तो कैसे मानेंगे? आज देखो मैं आपको करवाने वाला हूँ 2023 का प्रीलिम्स, ठीक है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के पेपर आपको प्रीलिम्स में आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन मेंस में आए थे। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने बोला वो बिल्कुल सत्य था, समझ रहे हो? चलो देखें ज़रा। और ये आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन करो उसको भी अभी, ठीक है। ये आपके पास 4999 4999 में पूरा कोर्स मिल रहा है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एंड सीबीसी, मैनीमर, बहुत सारे ऐसी पोस्टें हैं जो आपके लिए अप्लीकेबल है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, एसएससी सीजीएल के थ्रू ले सकते हो टॉप मोस्ट पोस्ट। एक मैंने पोस्ट की वीडियो भी डाली हुई है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको पिछले कुछ दिनों में दिख जाएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेगा और 2200-2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा भी तो मिल रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए चलिए इसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, कि बी ए का कितना परसेंट है ये बताना आपने। अब इस क्वेश्चन को लेके क्या बोलोगे, ये प्रीलिम्स का है, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 95% ऑफ बी, यानी ए किसके बराबर है, 95/100 ऑफ बी, ऑफ मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए अपॉन बी इज 95/100, यानी कितना 19/20 है ये। सो ए अपॉन बी कितना आ गया मेरा, 19/20 आ गया, क्लियर। इसका मतलब ए मेरा क्या है 19 के और बी मेरा क्या है 20 के, ना भी लोगे के तो चलेगा, कि अगर ना भी लोगे तो चलेगा। अब बताना क्या आपने, बी अपॉन ए इंटू 100%, दैट्स इट, यानी 20/19 × 100%। अब इसको जरा अगर मैं इलेबोरेट करना चाहूँ, मैं कैसे लिखूँगा इसे, 19+1/19 ऐसे लिख सकता हूँ, कितना हो गया 1+1/19, यानी 1 का मतलब 100% प्लस 100/19, यानी कितना हो गया 105/19%, ऑप्शन नंबर 4। बताओ इससे आसान क्वेश्चन, अब ये मीन्स के क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं, या ये कहूँ मैं, ये कहना भी ठीक होगा प्रीलिम्स के क्वेश्चन मीन्स में आ गए आपको। तो मैंने जो बोला पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के कर डालो, उसी में सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जितना मैं बताऊँ उतना पढ़ लो, पूरे बटा पूरे नंबर आएंगे, मतलब फुल आउट ऑफ फुल, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर का नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन जो हमने करवा रखा है उसके बाहर का नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। मुझे पता है कि क्या एसएससी सोचती है, मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाइड है, बहुत सारे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, इतने सारे पेपर सॉल्व आपको ही करा चुका हूँ कि अब मुझे भी पता चलने लग गया कि एसएससी की सोच के, समझ रहे हो? इनको बस कट ऑफ हाई करनी है, पेपर का लेवल नहीं मेंटेन कर सकते ये कभी भी, ठीक है। जब करना चाहिए था जब किया नहीं है, अब हो नहीं रहा, अब कैलकुलेटिव पेपर डाल देते हैं बच्चे सेने हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कट ऑफ हाई चली जाती है, एक एवरेज बच्चा रह जाता है, वही कट ऑफ 140-150 चल रही है, तो क्या फ़ायदा उसका, हर वो नंबर जुड़ भी नहीं रहे।
ऐसा तो होना कि ये बच्चा 150 नंबर ले रहा है तो जुड़े हुए तो फ़ायदा भी है। प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर दिया, मेंस के दम पे आप मेरिट बना रहे हो, तो फिर कुछ तो रियाज दिखाने चाहिए। प्रीलिम्स का अच्छा पेपर बनाओगे तो फ़ायदा सबको ही है, आपको भी है। मैं बस ये नहीं चाहता कि जो बच्चा एक साल से तैयारी कर रहा है उसको कंपटीशन दे दे 3 महीने तैयारी करने वाला बच्चा। मैं बस ये नहीं चाहता कि जो बच्चा 2 साल से लगा हो 3 साल से लगा हो डिजर्विंग कैंडिडेट है। जिसने 2 बार प्रीलिम्स निकाली है मेंस नहीं हुआ वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको पहले मिलनी चाहिए जॉब, वो बेचारा कर रहा है तैयारी। तो एसएससी से हाथ जोड़ के विनती है कुछ ऐसा पेपर बनाओ कि जो एक न्यूट्रलाइजेशन क्लियर करें कि जो बच्चे 3 महीने 4 महीने तैयारी करके बराबर खड़े हो रहे हैं ना, उन्हें कहो और तैयारी करो, और तैयारी की ज़रूरत है आपको, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो ना रहे। चलो जी, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। चलिए, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में वो ऑल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहे हैं, मतलब पहले एक ए फिर बी फिर ए फिर बी, बोथ ए एंड बी फॉलो द सेम पैटर्न फॉर 5 डेज एंड देन ए लिव्स। 5 दिन तक उन्होंने यही पैटर्न फॉलो किया, कौन से वाला, ऑल्टरनेट एक छोड़ के उसके बाद ए छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, कितने दिनों में बी बचे हुए काम को खत्म करेगा ये बताना आपने। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 25 डेज में। बी कितने में कर रहा है, 30 डेज में। तो क्या मेरे एलसीएम 150 आ गया, 6 और ये 5 एफिशिएंसी आ गई। अब खुद सोच के देखो, 5 दिन तक सो ये, अभी बाकी काम को छोड़ दो, सिर्फ ये सोच के चलो कि इन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया और जिसमें ऑल्टरनेट बेसिस पे काम हो रहा है, यानी ए बी ए, यानी ए का काम कितने दिन का, 3 दिन का, बी का काम कितने का, 2 दिन का, ए का काम 3 दिन का और बी का काम 2 दिन का, ये बात समझ आ गई। तो ए ने अगर 3 दिन काम किया तो ए कितना काम करेगा, 18। इसने 2 दिन काम किया तो कितना काम किया, 10। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन इज हाउ मच, 28 यूनिट्स आ गया, 28 यूनिट आ गया। अब बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क कब निकलेगा, जब टोटल वर्क में से वर्क डन को आप निकाल दोगे। रिमेनिंग वर्क बिल भी हाउ मच, 150 माइनस ऑफ 28, 122 यूनिट्स, ठीक है। अब ये काम बी ने अकेले किया क्योंकि ए क्या कर चुका है, ए लीव द वर्क, ए काम को छोड़ चुका है। सो ए ने काम को छोड़ दिया तो रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, सो 122 टाइम ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ बी हाउ मच, 5, सो 122 बाय 5 कितना आ गया, 24 और 5 इंटू 24 120 टू बाई 5, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, सॉरी। चलो समझ आया, तो ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन बड़ा इजी होता है आपका, कोई मुश्किल नहीं है। मैं अभी भी ये बात ही कह रहा हूँ, देखो आपने 2 बेहतरीन क्वेश्चन कर लिए, बट क्या इन क्वेश्चंस में कहीं भी मुझे मेंस या प्रीलिम्स का कुछ लगा अंतर, मुझे तो नहीं लगता। मुझे एक बार भी संभवतः अभी तक एक बार भी इन दोनों प्रश्नों में एक बार भी नहीं लगा कि मैं प्रीलिम्स का सॉल्व कर रहा हूँ या मेंस का कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी धारणा है कि मैंने प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी, मैंने मेंस के लिए तैयारी करनी, इसी सिर्फ एक ही बार तैयारी करो, एक बार, बार बार नहीं तैयारी होती, दूसरी बार हमेशा रिविजन होती है, याद रखना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरी बार भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप गलत हैं, फिर आप अंधेरे कमरे में चल रहे हैं और आपको कुछ और नहीं मिल रहा जाने के लिए, याद रखना। आपको कुछ नहीं करना, एक बार अच्छे से तैयारी करने लगे, दूसरी बार आप हमेशा क्या करेंगे बच्चों, आप दूसरी बार में हमेशा रिवीजन के लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, चलो अभी देखो जरा, द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस में भी आया था 2023 में, मतलब 22 का जब 23 में दिया था आपने मार्च में। एट व्हाट परसेंटेज लॉस लेस देन द मार्क प्राइस शुड बी सोल्ड टू हैव नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर तनिक समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
आपको मार्क प्राइस दे दे, यानी मार्क प्राइस जब भी आता है, मार्क प्राइस हमेशा किस पे लगता है आपके कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से आप जाओगे मार्क प्राइस पे, यानी मार्क प्राइस हो गया। वो कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस, मतलब आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं मार्क प्राइस पे मेरी चीज़ नहीं बिक्री बट मुझे बेचनी है, मैं कम से कम इतने पे तो बेचूं कि मुझे कोई हानि ना हो। वो कह रहा प्रॉफिट बेशक ना हो बट यार लॉस नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है। यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सॉरी एमआरपी की बात करूं, इनडायरेक्टली अब वो आपको वो कह रहा है कि मैं कितना डिस्काउंट दूं एमआरपी पे, उसने ये आपको एमआरपी पे लेस देन द मार्क प्राइस ये ना, अगर वो बोलता हाउ मच डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस सो दैट नो प्रॉफिट नो लॉस विल अकर, तो दैट कंडीशन विल बी इक्वलेंट टू द गिवन कंडीशन विच इज गिवन टू मी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझिए इस बात को, ठीक है, कि अगर 100 मेरे पास सीपी था, 125 मेरे पास एसपी होगा, सॉरी एमआरपी होगा, यानी 4:5, दिस इज माय सीपी, दिस इज माय एमआरपी। अब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन कब होगी, कॉस्ट प्राइस 4, यानी मेरी जेब से जो पैसा निकला वो कितना निकला 4, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए मेरी जेब में कितना आना चाहिए 4, यानी सेलिंग प्राइस मस्ट हैव टू बी 4 रुपीज, यानी एक का आपको चाहिए डिस्काउंट, यानी एक का डिस्काउंट 5 पे गुना 100%, आंसर इज हाउ मच 20%, ऑप्शन नंबर बी इज द एक्यूरेट आंसर, क्लियर, बी बिल्कुल सही आंसर इसका सही हो गया, आसान था। मतलब देखो छोटे छोटे कंसेप्ट को अगर पकड़ के चलोगे ना तब जीवन बहुत आसान है एप्टीट्यूड के केस में, अदरवाइज मुश्किल है, डगर मुश्किल है फिर। चलिए जी, अ पार्ट ऑफ इज जर्नी अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर बराबर, नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर बराबर, एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट एट 75 किलोमीटर बराबर, मतलब गया फिर आया। द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन थ्रू आउट द जर्नी अप्रॉक्सीमेटली इज, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है देखो समझो इस बात को, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट, सिंपल सिंपल और सिंपल, प्योर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और किसी का नहीं है। केस वन, अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 120, यानी आप इसको क्या बोलोगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, समझ आई बात। केस वन की बात करोगे 80 इंटू T1, तो T1 कितना आ गया 120 बाई 80 3/2, ठीक है 3/2 आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, केस टू के लिए क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज टू स्पीड इनटू टाइम, सो 100 इज इक्वल टू 40 इंटू T2, सो T2 इज हाउ मच 100 बाई 40, 5/2 आ गया, ठीक है। अच्छा केस थ्री की बात करूं, अब देखो वो कह रहा है रिटर्न बैक, पहले टोटल डिस्टेंस में से 120 किलोमीटर के 80 की स्पीड से बचा हुआ 100 किलोमीटर है, टोटल 220 हो गया, तो थर्ड केस के लिए जब वापस आएगा कितना आएगा 220 75 इंटू T3 विल बी 220 बाय 75, 5, 15, 44/15, देखो D1 कितना है मेरे पास, सबसे पहले 120 फिर 100 फिर वापस आया 220, जितना गया उतना वापस आया, डिवाइडेड बाय देखो ये कितना हो गया 3/2 प्लस 5/2, 8/2 हो गया, यानी 4 हो गया, 4 प्लस ऑफ 44/15 44/15 ये मेरे को दिया हुआ, इसी को मुझे कैलकुलेट करना और आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर वाला कितना होगा 440 हो गया, ओके
60 प्लस 44 और ये 15 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ गया 440 बाय 104 इंटू 15, चार से कट रहे हैं, 25, 26, 110, 13, 55, तो 55 गुना 15 बटे 13 आ रहा है मेरे पास बेसिकली। होपफुली वो आपने कर लिया होगा नोट, इसको ज़रा मैं कैलकुलेट करता हूँ। पचपन गुना 15 बटे 13 देखो आप जरा कैलकुलेशन को देख ले, 15 बटे 13 है वो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो मेरा आंसर है वो 55 से तो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको कैलकुलेट करके देख लो, 750 प्लस 75 5 825 बटे 13, लो जी शुरू में आ गया 13 छः के 78, 6 में एक आंसर दिया होगा, 78 4 5 13 थी 39 45 6 बाय 13 0.46 आएगा। तो अब एक डिजिट में कैलकुलेट करके भी इजीली आंसर निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं निकले। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नंबर इज 951 777 1651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्लियर। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एट मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, एट वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। देखो इसका बेसिक क्या है, मैं बात करता हूँ M1 D1 H1 E1 अपॉन W1, जब आप कंपेयर करोगे M2 D2 H2 E2 बाई W2, ये बेसिकली मेरे पास जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एट मैन इसको लेके चले जरा, जो जो दिए हुए देखो, एट मैन 45 दिन में करते हैं और सेम काम को एट वुमेन 18 डेज में करती हैं, ठीक है। तो काटो जरा, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 18, तो मैन अपॉन वुमेन इज 2/5 आ गया। मैंने ये क्या, ये बेसिकली मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आता है स्टूडेंट्स एफिशिएंसी, ये मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास एफिशिएंसीज आती हैं। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, 8 × 2 × 45 टोटल वर्क हो गया। अब ये काम स्टूडेंट्स करना है किसको, देखो 5 men and 8 women, यानी 5 men + 8 women कितने नंबर ऑफ डेज में इस काम को करेंगे, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है एंड आंसर विल बी योर्स। जल्दी से इसको आंसर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, ठीक है। आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना आपने जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए देखो, 8 × 2 = 45 इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या दिया मेरे पास, एम है मेरे पास 2, 16 + 8 = 40 × 2 डेज, एक बार चेक करो कैलकुलेशन, यही आ रही है 5 men, ओ सॉरी 5 × 2 है, 8 क्यों आएगा, 2 10 + 40, तो कितना हो गया 8 × 2 × 45 15 × 2 डेज, 5 × 10 = 5, 9 2 × 4 = 8, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब आंसर गलत है, फिर 8 × 2 = 45 / 50 कुछ गड़बड़ हुई है, लेट मी चेक इट अगेन,
कहाँ पे ज़्यादा किया हमने, एक बार चेक कर लो ये एफिशिएंसी ठीक है। एफिशिएंसी तो मुझे ठीक ही लग रही है, 16x45 बटे 50 कटेगा नहीं, ये कन्फर्म है। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कटिंग हो गई थी, 5, 10, 5×9=45, 8, 5। अब ठीक आ गया, कितना आ गया, 972/5 यानी कितना, 42/5। वहाँ कुछ एक्स्ट्रा कटिंग हो गई थी, इस वजह से गलत आया था, ठीक है उसे देख लेना थोड़ा। चलो 3 सही था, नोट करो जल्दी से ज़रा, और कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करना है, करना है बिल्कुल, ठीक है। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लो उसको। चलिए नेक्स्ट इज, देखो ये क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है, ये बहुत जगह स्टेट लेवल पे भी रिपीट हो रहा है, बहुत जगह आ रहा है क्वेश्चन कि 6×25+6×26+6×27+6×28 इज डिविजिबल, ये किससे विभाजित होगा। चलिए देखिए जरा, अगर मैं लिखूं 6×25+6×26+6×27+6×28 हो गया, ये बताना आप में से चारों ऑप्शंस में से किससे डिविजिबल है। एग्जैक्टली एग्जाम का क्वेश्चन है, आपने क्या करना होता है, सबसे छोटी पावर को टारगेट करो, 6×25+6×25×6×1+6×25×6×2+6×25×6×3 क्लियर। अब 6×25 जरा कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, 1+6+6×2+6×3 क्लियर। ठीक है बच्चों, देखो ये कितना हो गया, 216+36+6+1×6×25 52, 58, 58 यानी 2 की पावर यानी 259×6×25 तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 6×25 तो है ही, ये कॉन्स्टेंट है वैल्यू मेरे पास, ठीक है। सो आंसर इज हाउ मच, 259। नंबर आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, 9517-1165 क्लियर। इस पर कॉल करो, इस पर व्हाट्सएप करो, क्लियर। टू कोसेट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 10 cm and 6 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ कोर्ड ऑफ लार्जर सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो ज्योमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर्कल से, कोसेट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, यानी ऐसा कुछ है, ये सेंटर आ गया। अब वो ये कह रहा है कि एक ऐसी रेखा जो एक के लिए टेंजेंट हो दूसरे के लिए कोण हो, चलेगा, बिल्कुल सिंपल पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास ही। देखिए ये सेंटर हो गया वो, ठीक है, रेडियस 10 एंड 6, देखो ये बड़े वाला इसकी रेडियस 10 होगी और इसकी रेडियस कितनी होगी, 6 होगी, तो क्या ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यस, आपको पता है मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कौन सा, 6, 8, 10 की, अगर एक 6 हो 1 8 हो तो 1 10 होगी। यहाँ पे क्या मिसिंग है आपके पास, दिख रहा है आपको 8, अगर ये 8 है तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल होगा, ये भी क्या होगा, माफ कीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो 8 और 8 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 16, यही तो पूछा उस क्वेश्चन में से, नथिंग एल्स, क्लियर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, बहुत अच्छे दो, इफ साइन a+b = 1। देखो अगर मैं बात करूं थीटा 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, ऐसे कुछ होते हैं। आपने साइन थीटा अगर करना है याद तो कुछ मत करो, 0/4 इसका अंडर द रूट, 1/4 इसका अंडर द रूट, 2/4 इसका अंडर द रूट, 3/4 इसका अंडर द रूट, 4/4 इसका अंडर द रूट। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो साइन 0 कितना हुआ, 0, ये कितना हुआ 1/2, ये कितना हुआ 1/√2, ये कितना हुआ √3/2, और ये कितना हुआ 1। अगर कॉस थीटा चाहिए इसको सिर्फ पलट दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, बस इतनी सी बात है,
समझ रहे हो, जहाँ पे इनका सम 90 बनता है वो इक्वल होते हैं, जैसे 0 90 30 60 45 45 60 90 सॉरी 60 30, समझा की बात। अब मुझे क्या दिए, कॉस ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी कितना होना चाहिए मेरे पास, 90 डिग्री, ए प्लस बी हैज़ टू बी 90 डिग्री, यानी ए माइनस बी, यानी कॉस 1/2 कहाँ पे है, क्या कॉस 60 पे 1/2 है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 30 30 में कितना जोड़ोगे, 90 बन जाए 60। ये सारी चीज़ें आऊँगी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत प्यारे तरीके से बताऊँगा आपको मैं। 2a इज इक्वल टू कितना, 150 डिग्री, a इज इक्वल टू कितना, और b पूछते तो कितना, 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ मुझे आज, बताओ मुझे आप कमेंट करके कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या फर्क है। सिर्फ और सिर्फ आप एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप करते हो अपने ऊपर कि हाँ ये तो मेंस का पेपर है, मेंस है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं फालतू में। बट हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, इतना बस मुझे कहना है, उसके लिए प्रैक्टिस हमें अलग से करनी पड़ती है, इतना सा आपका बस करना आपको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए कॉस थीटा रूट 3/2 देन टेन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा, बताइए कॉस थीटा रूट 3/2 यानी थीटा कितना है, 30 डिग्री। अभी बताया आपको मैंने, देखो क्या है मेरे पास कॉस 30√3/2, तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, और ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, बताओ क्या क्वेश्चन है यार, क्या लेवल है इन क्वेश्चंस का, इवन एसएससी एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एंड दे आर आस्किंग इन एसएससी सीजीएलएम, क्वाइट सरप्राइज्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो 10² 30 डिग्री इंटू ऑफ, और देखो कॉस 30 तो दे ही रखा, कितना 3/2 इसका होल स्केयर, 10 31/√3 इसका होल स्केयर, या तो कैंसिल को कितना बचा, 1/2 का स्केयर, यानी कितना 1/4। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बताओ एक भी क्वेश्चन मुझे बता दो जो फ्लॉलेसली ना हुआ हो और इजीली अचीवेबल ना हो, सिर्फ इतनी सी बात है, जल्दी से नोट कीजिए इसको प्लीज। होपफुली स्टूडेंट्स क्लियर होगा। मैं आपको बताता हूँ कोर्स के बारे में, क्लियर, कौन से कोर्स के बारे में, व्हाट्सएप ग्रुप तो आपने ज्वाइन कर ही लेना है, इस कोर्स के बारे में, ठीक है। सॉरी, चलिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम, ठीक है, ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज एंड अभी भी माइक्रो कोर्सेज, आप सिंगल सिंगल कोर्सेज भी कर सकते हैं, क्लियर। प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2024, ठीक है, देखो ऑल कोर्सेज कंप्लीट है, सीरीज सब कुछ आपके पास। अब इसमें आओ जरा, इसमें आपके पास डेमो भी दिए हुए हैं, हमने इसीलिए 4 से 5 लेक्चर डेमो के लिए रखे हुए हैं आपके, ठीक है। ये देखो आप जैसे ही यहाँ पर लॉग इन करेंगे ना, आप साइनअप करेंगे, साइनअप करके आप लॉगिन करेंगे या साइनअप भी करेंगे, तो ये 5 लेक्चर्स आपके पास क्या हैं, ये आपके पास डेमो के रूप में आपको दिए हुए हैं, आपको देखना और जज करना है कि व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस, आर यू गेटिंग द एग्जाम लेवल क्वेश्चंस और अबव द एग्जाम लेवल, बिकॉज एग्जाम लेवल के अबव का ही पढ़ना पड़ेगा हमें, हम एग्जाम लेवल का नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए सारे के सारे लेक्चर्स आपके पास यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, और हर एक लेक्चर के साथ PDF लगी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आपको PDF मिलेगी, वेब नोट्स मिलेंगे। वेब नोट्स क्या होता है, आपके पास थ्योरी पार्ट होता है बेसिकली आपके चैप्टर का, ठीक है, उसका PDFs मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको, फ्री मेंटरशिप, मेंटोरशिप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बच्चे सिर्फ मेंटोरशिप के लिए आते हैं हमारे पास, ठीक है, बट हम कहते हैं कोर्स लो हमारे साथ, फिर काम करो, फिर मज़ा आएगा, क्योंकि हमें नहीं पढ़ रहा, हमें नहीं पता आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारा दिया कंटेंट पढ़ोगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, देख सकते हैं कितने कितने लेक्चर्स हैं, ये देख के डरना मत, इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें आपके पास प्रीवियस ईयर के सोल्यूशंस हैं, इसमें क्या आपके पास प्रीवियस ईयर के वीडियो सोल्यूशन दिए हुए हैं पेपर्स के, तो डरने की जरूरत नहीं, इसीलिए इतना ज़्यादा दिख रहा है आपके, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ जुड़िए, नंबर आपको बता चुका हूँ, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, थैंक यू।